वहीं कांकेर में सड़कों के गड्ढों से परेशान शहरवासियों को राहत देते हुए समाजवासियों ने इनके गड्ढों को भरने का कार्य शुरू किया। समाजसेवियों ने गड्ढों में मलबा और मरम डालकर गड्ढों को भरा। आपको बता दें कि सड़क के गड्ढों को लेकर समाजसेवियों ने अनोखे अंदाज में विरोध प्रदर्शन किया है। इन समाजसेवियों ने बस स्टैंड के गड्ढे में भरे पानी में तख्त लगा दी है, जिसमें लिखा था कि धूल और गड्ढे से भरे शहर में आपका स्वागत है। वहीं मामले में प्रशासन ने कोई ध्यान नहीं दिया। फिर गंभीरता दिखाते हुए समाज सेवी खेम नारायण शर्मा ने मलबा और गिट्टी डालकर पुराने बस स्टैंड में सड़क किनारे गड्ढे को भरा। आखिर का जो मुख्य मार्ग है वो गड्ढों और धूल से भरा हुआ मार्ग है। अगर आप यहाँ से गुजरेंगे तो धुएं के गुब्बारे धूल के जो हैं वो उड़ने लगते हैं। गड्ढे इतने हो गए हैं कि गाड़ियों को चलाने में डर लगता है कि कहीं किसी गाड़ी के साथ टकरा ना जाए, मतलब बैलेंस नहीं बन पाता है। आज तो 15 साल से गड्ढा है और ये गड्ढा लग रहा है विकल्प हमारे पास लग रहे हैं कि हम क्या करें। इतना धूल हो रहा है, लोग परेशान हो रहे हैं, तो हमने सोचा कि अब थोड़ा कम ही पहल करें। सब साथियों द्वारा पहल कर रहे हैं, समय आते आते देखते हैं आगे भी गड्ढे को पाटने का कोशिश करेंगे। जहाँ हमको लगे कि पाटना की जहाँ जरूरत है, जहाँ समझ आएगा वहाँ हम जरूर पहुँचे। इंदौर में